ये है गिर जंगल, पूरी दुनिया में एशियाई सिंहों का इकलौता घर। हमारी कहानी है गुजरात के गौरव गिर के राजा सिंह की, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास में शक्ति और उत्कर्षता का सर्वोच्च प्रतीक है। हम निकले हैं मजबूत मुस्तैद शरीर, तीक्ष्ण आंखें, बेदाग पर और निडर सीरत के साथ एक दहाड़ में फैसला सुना देने वाले की खोज में, जिसका अंदाज खुद बयान कर देता है जंगल का राजा कौन है। सोने जैसे रंग वाले इस जंगल को मानो प्रकृति ने जानबूझकर सिंह के रंग में रंगा है। यहाँ बहती है हिरण नदी, जिसका मतलब ही स्वर्ण होता है। जंगल के राजा को हर तरफ से ये इलाका अपने जैसा लगता है। सालाना कम बारिश वाला ये जंगल अपनी गोद में अनेक जीवों को फलने फूलने का वातावरण देता है। जंगल में अलग ही रौनक बिखेरता पलाश सर्दियों को अलविदा बोल रहा है। केसरिया खिले फूल पत्ते परिंदों के लिए खाने का भंडार है। यहाँ भारत के सबसे बड़े कद वाले हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय और चिंकारा देखे जा सकते हैं, तो साथ ही बड़ी पूंछ वाले लंगूर भी धमाल मचाते मिल जाएंगे। गिर भारत की बेहतरीन वर्ल्ड सेंचुरी में से एक है। यहाँ फलगीबाज, कठफोड़वा, एरियोल और पैराडाइज फ्लाईकैचर बेफिक्र होते हैं। सासण गिर में पानी के शेर यानी मगरमच्छों को शान से तैरते और धूप सेंकते हुए देखा जा सकता है। थोड़ी देर बाद हमें जंगल की रानी दिखी, जो अपने युवराजों का इंतजार कर रही है। एक तंदुरुस्त बच्चा माँ के पास आ गया, दूसरा भी आ रहा है, पर लगता है शरारत में कहीं चोट खा बैठा। दो भाई मिले तो हो गया खेल शुरू। खेलते कूदते ये दो शावक भविष्य में गिर के राजा बनेंगे। हम तलाश में हैं उनकी, जो आज गिर पर राज कर रहे हैं। हर कदम पर यहां एक नई कहानी है। और दूसरे दिन की शाम हमें हमारी कहानी के दो नायक एक साथ दिखे, स्वर्ण रंग में रंगे दो बब्बर शेरों के बीच। ये हैं भूरिया बंधु। शिकार की आहट पर ये हमशक्ल भाई अलर्ट हो उठते हैं। आज गिर के जंगल में इस नौजवान जोड़ी का शासन चलता है। भूरिया बंधुओं का जन्म मुख्य जंगल से बाहर रेवेन्यू इलाके में हुआ। वो न केवल बड़े हुए बल्कि आज दो शानदार बब्बर शेर बन चुके हैं। ताकत और जोश के चरम पर पहुंच चुकी ये जोड़ी अब गिर के जंगलों में राज करने पहुंच चुकी है। नौजवान भूरिया बंधु जोश और ताकत से लबरेज हो गिर जंगल में साम्राज्य फैलाने लौट आए। इनकी दहाड़ सुनकर हर टूरिस्ट की नजर हमशक्ल भाइयों पर टिकी रह जाती है। गुजरात का साथ पाकर सिंह अपना स्वामित्व जता रहे हैं। गिर से शुरू हुआ उनका साम्राज्य जूनागढ़, सोमनाथ, राजकोट, भावनगर, अमरेली, सुरेंद्र नगर, पोरबंदर, मोरबी तक फैल चुका है। इस गौरवशाली इलाके की ममतामयी गोद ने 700 से ज्यादा सिंहों को पाल रखा है। गुजरात की नेक और संगठित कोशिश का नतीजा है कि यहाँ सिंह का साम्राज्य गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी और ग्रेटर गिर से कहीं आगे बढ़ते हुए रेवेन्यू इलाके तक फैल चुका है। रेवेन्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पहुंच से बाहर का विस्तार है। यहाँ के बाशिंदे गिर के राजा को परेशानी नहीं बल्कि गुजरात का गौरव समझते हैं। गिर के जंगल को नए नए राजा मिल रहे हैं, जैसे कि ये भूरिया बंधु।
और यहीं से शुरू होता है उनकी सत्ता का सफर। गिर में सुबह हो रही है। सूर्य की किरणें साग के पेड़ों पर जब बिखरी तो सुनहरे जंगल पर सोने की चादर छा गई। आसमान से लेकर मिट्टी, सूखी घास और जंगल में बिखरे पत्ते सिंह के रंग में रंगे हुए हैं। मालधारी मवेशियों संग घने जंगल की ओर चल पड़े हैं। माटी के मकान पर बैठे मोर मनो मीठी आवाज में भोर की प्रार्थना सुना रहे हैं। सिंह की तरह बाकी सभी जीवों का यहाँ के बाशिंदों के साथ अद्भुत तालमेल है। ये रिश्ता सदियों से जारी है। हम भूरिया बंधुओं को खोज रहे थे लेकिन युवा भाइयों की जोड़ी हमें दिख नहीं रही थी। तभी हमें दो बब्बर शेर उसी इलाके में दिखाई दिए। दोनों के बदन पर गहरे घाव थे, मतलब साफ था रात को चार बलवानों की आमने सामने टक्कर हुई है और भूरिया बंधु इस इलाके से अपनी सत्ता गंवा चुके हैं। अब दो भीमकाय बब्बर शेर भाई इस क्षेत्र के नए बाहुबली हैं। इनका नाम है जिंडको और मोटो, जिसका अर्थ है छोटा और बड़ा। ये दबंग भाई जंगल में अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। गिर में कहावत है, जिस तरफ जिंडको और मोटो ने कदम रख दिया वो इलाका उनका हो जाता है। भीमकाय भाइयों के आते ही नौजवान भूरिया बंधुओं का राज यहां खत्म हुआ। घाव के साथ शाही चाल से बढ़ रहे दोनों भाई अब यहां के नए महाराजा हैं। यही जंगल का नियम है जिसे हर किसी को मानना ही पड़ता है। अपने नए शासन में दोनों भाई अपने पहले शिकार की तलाश में जंगल के अंदर चले गए थे, लेकिन हमें विश्वास था कि दोनों भाई शिकार के बाद फिर मिलेंगे। लंगूर बंदरों का एक दल सहमा बैठा है। जंगल में कौओं की कर्कशता गूंज रही है। आगे उनका पूरा झुंड है। जंगल में एक साथ इतने कौओं का मतलब है बड़ा शिकार। कौवे मरी हुई भैंस को खा रहे हैं। ऊपर आकाश में चील मंडरा रही हैं। लेकिन इस शिकार के असली मालिक हैं जिंडको मोटो, दो बब्बर शेर भाई। शिकार के बाद दूर आराम फरमा रहे हैं। ये सिंहों की वही जोड़ी है जिसने भूरिया बंधुओं के इलाके पर आधिपत्य जमा लिया था। जंगल जंग का मैदान है। यहां कदम कदम पर युद्ध छिड़ा है। दो नर्स कोडेड डियर भिड़े हुए हैं। ये मादा को प्राप्त करने की लड़ाई है। संग्राम जीतने वाला अपनी भावी पीढ़ी को सुनिश्चित करेगा। मादा नहीं मिलने की वजह से नर हिरण पेड़ पर गुस्सा निकाल रहा है, पर इस गुस्से के पीछे भी प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है। दरअसल हिरण के पेड़ पर सींग रगड़ने से वेलवेट निकल जाता है और एंटलर मजबूत हो जाता है। इससे हिरण का रक्त संचार
बेहतर काम करने लगता है। हम नौजवान बब्बर शेर भूरिया बंधुओं के पीछे थे। जिनको और मोटो नाम के भीमकाय भाइयों के हाथ मिली हार के बावजूद दोनों नौजवान हिम्मत से लबरेज हो देवा डूंगर रेंज में दाखिल हो चुके थे। इरादा साफ था, अगर है कोई टक्कर देने वाला तो वो जान ले कि अब यहां भूरिया बंधुओं का राज चलेगा। भूरिया बंधु अब देवा डूंगर रेंज पर आधिपत्य जमाने आ चुके थे। नए इलाके में शाम को हमें एक कद्दावर नरसिंह दिखाई दिया जिसका नाम था टीलिया। इसकी भीषण दहाड़ से जंगल कांप गया। देवा डूंगर के राजा के दांत देख चित्तलों को साक्षात मौत नजर आती। मोर जैसे पक्षी जमीन पर दुबक जाते। ऐसे बब्बर शेर के इलाके में बेखौफ घूम रहे थे भूरिया बंधु। जैसा कि अंदेशा था, देर रात टीलिया के सामने भूरिया जोड़ी आ गई और फिर भयंकर लड़ाई। अकेला टीलिया दो नौजवानों के सामने टिक नहीं पाया और घायल हो गया। अब देवाडूंगर रेंज के सम्राट थे भूरिया बंधु। दोनों भाई सरे राह बैठकर बेखौफ हो अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे। पर दूसरी तरफ राजा टीलिया अपना साम्राज्य खो चुका था। भिड़ंत के बाद जंगल के कानून का पालन करते हुए टीलिया अब देवाडूंगर छोड़ आगे बढ़ गया। उसका नया ठिकाना था रायडी। टीलिया दर्द में था। ये दर्द घावों से नहीं था, ये दर्द था देवाडूंगर में मिली हार से। भूरिया बंधु देवाडूंगर जैसे बड़े इलाके के राजा बने थे। इस जीत के साथ हम शक्ल भाइयों ने साबित कर दिया था गीर की तरह उनका भविष्य उज्जवल है। टीलिया ने भी नए क्षेत्र रायडी में फिर से सत्ता कायम कर ली और ये नया शिकार उसके नए शासन का ऐलान कर रहा है। जंगल पर अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा है। इस चंपई अंधेरे और सुरमई उजाले में कोहरे के कारण सब कुछ धुंधला लग रहा है। इस एकांत में मोर अपना सौंदर्य बिखेर रहा है। एशियाई सिंह जिनका वैभव इतना जबरदस्त है कि रॉयल शब्द भी उनकी महिमा मंडल में छोटा लगता है। गिर जंगल बहुत विशाल है और यहाँ के राजा कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। जंगल में आगे एक नई कहानी देखने को मिली है, एक शेरनी और एक शेर जो पहली नजर में एक जोड़ी लगते हैं, लेकिन यहाँ एक खेल चल रहा है। खेल जो किसी भी पल खतरनाक मोड़ ले सकता है। इस शेरनी ने कुछ रोज पहले शावकों को जन्म दिया है। शेरनी अब किसी दूसरे राजा के इलाके में मौजूद है। आम तौर पर राजा को शेरनी के साथ किसी दूसरे सिंह के बच्चे पसंद नहीं होते हैं और ये बात शेरनी जानती थी कि किसी भी हालत में उसके नन्हे शावक
इस नए राजा को नहीं दिखने चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इस इलाके का यह नया राजा उसका पीछा कर रहा था। वक्त रहते शेरनी ने अपने शावकों को छुपा दिया और नए राजा के सामने प्यार जताना ठीक समझा। शेरनी थोड़ा आगे जाकर बैठ गई ताकि शेर को चकमा देकर वापस अपने बच्चों के पास लौट आए, पर शेर के पीछा नहीं छोड़ने पर मादा ने मेटिंग बिहेवियर दिखाया। शेरनी का ये प्यार झूठा है। ये माँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सिंह को भ्रमित कर रही है, पर अगर इस शक्तिशाली सिंह को मादा के झूठे मेटिंग बिहेवियर का पता चल गया तो वो इस धोखे को जानकर क्रोधित हो सकता है। सहवास के बाद नया राजा जा चुका था। कुछ देर बाद शेरनी अपने नन्हे बच्चों के पास दिखाई दी, मतलब उसकी रणनीति कामयाब रही, उसके बच्चों की जान बच गई। जंगल अपने अंदर कई रहस्य लिए रहता है जो धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आते हैं। प्रकृति से भरपूर इस वन में बच्चों की जान बचाने के लिए एक शेरनी अपनी जान पर खेल जाती है। ये मातृत्व और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। गिरवन के देवाडूंगर रेंज में हुरिया बंधुओं का राज अभी भी जारी है। अब उनके इलाके में 3 शेरनियां भी दाखिल हो चुकी हैं। साम्राज्य कायम रखने के लिए हुरिया बंधुओं की ये जोड़ी अपने इलाके में सुबह शाम गश्त पर निकलती है। इस सैर के दौरान जगह जगह हुरिया बंधु अपने मूत्र से निशानदेही भी छोड़ते हैं ताकि अगर कोई घुसपैठिया आ जाए तो उनकी गंध को चेतावनी समझकर वापस लौट जाए। आज गश्त के बाद दोनों भाइयों ने पानी पिया और आराम फरमाने लगे। पानी पीने के बाद भूरिया बंधु सो रहे थे कि तभी एक हिरण ने हरकत की। सिंहों की मौजूदगी महसूस कर हिरण ने दौड़ लगाई जिससे पत्तों के हिलने की आवाज हुई और भूरिया बंधु अलर्ट हो गए। तभी उनके इलाके में दाखिल हो चुकी 3 में से 1 शेरनी वहां आ गई। 2 शेरों की मौजूदगी से अनजान ये मादा बढ़ी चली आ रही थी। अपने इलाके में शेरनी को देख दोनों नर हौचक्के रह गए और एक साथ शेरनी पर हक जताने के लिए दौड़े। अभी अभी उनके बीच आई एक शेरनी को पाने के लिए दोनों में जंग। किसी के साथ जन्म से एक दूसरे के साथ खेलते झगड़ते खाते पीते बड़े होते भाइयों के बीच दरार आ गई। 2 भाई जो एक दूसरे की परछाई थे आज आमने सामने खड़े हो गए। विजेता नर मादा के पीछे चल दिया और घने जंगल में निकल गया। वहीं दूसरा भूरिया विपरीत दिशा में आगे बढ़ गया और जंगल में ओझल हो गया। दो हमशक्ल भाई एक शेरनी के लिए लड़े और अलग हो गए। मालूम नहीं फिर कब हम इन्हें देख पाएंगे, क्या कभी फिर ये साथ साथ दिखेंगे। पर एक बात तय है, हम इनकी खोज जारी रखेंगे।
गीर वन में एक और खूबसूरत सुबह हुई है। गीर का स्वर्णिम जंगल सूर्य को जैसे नमस्कार कर रहा है। निशाचर इंडियन नाइटजार सुबह के उजाले में खुद को छिपाने के लिए एक पेड़ पर बैठा है। प्रकृति ने वक्त के साथ ऐसे जीवों को कई खूबियां दी है। नाइटजार ने जंगल के मुताबिक छलावरण कर रखा है। इसी तरह एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा है। उसके अंदाज से लग रहा है मानो पहरा दे रहा हो। उल्लू भी निशाचर है, बावजूद इसके दिन में भी हर हरकत पर इनकी नजर रहती है। बरगद के विशाल पेड़ के ठीक ऊपरी सिरे पर बाज का बसेरा है। यहां से इसकी नजर जंगल में दूर दूर तक जा सकती है। हम टीलिया के इलाके में हैं। तभी हमें एक घायल रानी और उसके दो शरारती राजकुमारों के बारे में पता चला। शेरनी के पैर में तेज दर्द है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही है। साथ में दो प्यारे प्यारे शावक हैं। बबूल का नुकीला कांटा पैर में घुस जाने की वजह से शेरनी परेशान है। ऐसी हालत के बावजूद माँ दोनों बच्चों की शरारत झेल रही है। दोनों कहीं पर भी टिक नहीं रहे हैं। खेल खेल में उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर माँ हर तकलीफ के बावजूद बच्चों की रक्षा के लिए धीरे धीरे पीछे चल रही है। खेलते हुए बच्चे जैसे ही कुछ दूर चले जाते, शेरनी तभी सजग हो जाती। अचानक एक शावक की नजर एक हिरण पर पड़ी और उसने बड़े सिंह की तरह शिकार करने की पोजीशन बनाई। दरअसल बच्चे के पीछे शेरनी बैठी थी। शावक को देखते वक्त हिरण की नजर रानी पर भी चली गई और उसने वक्त रहते जान बचाकर भागना ठीक समझा। शिकार के निकल जाने पर दोनों शावक फिर एकजुट हो गए। पैर से चोटिल होने के बावजूद शेरनी शिकार को गिरा सकती है। ये मरा हुआ शिकार शेरनी की शक्ति का सबूत है। पैर में पीड़ा होने के बावजूद एक माँ साये की तरह बच्चों के साथ रहकर रक्षा करती है और उनके लिए खाने का इंतजाम भी करती है। पेट भर खाना खाकर दोनों युवराज माँ के सामने जिस तरह बैठे हैं, उससे साफ है जंगल की रानी सिर्फ अपने बच्चों का ही नहीं बल्कि गीर का भविष्य पाल रही है। कुछ वक्त बाद ये दोनों युवराज महाराजा बन गीर वन में हुंकार भरेंगे। We'll be right back.